नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट, और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गहलोत सरकार ने इतिहास रच दिया है। कोरोना की जंग में सबसे आगे खड़ा हुआ राजस्थान, देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन राजस्थान के अंदर ही लगे हैं और ये आंकड़ा काफी ज्यादा है। आपको बता दें कि 25 लाख का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। इसके बाद दूसरे पायदान पर महाराष्ट्र आता है जो 2 लाख पीछे है, यानी कि 23 लाख वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में हो चुका है। तीसरे नंबर पर गुजरात आता है जहां राजस्थान के मुकाबले 4 लाख कम डोज लगी है, यानी कि वहां 21 लाख अभी तक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री गहलोत ने दावा किया था, वैक्सीनेशन में राजस्थान की अव्वल रहने का दावा किया था और वो पूरे तरीके से सही साबित होता हुआ दिखाई दिया। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में राजस्थान को सिरमौर बताया गया। गहलोत के बेहतरीन प्रबंधन के बदौलत ये सब कुछ संभव हो पाया और जिस तरीके से राजस्थान ने कोरोना को कंट्रोल किया, मृत्यु दर को 1% से भी कम रखा, वक्त से पहले फैसले लिए गए, उसका परिणाम ये रहा कि राजस्थान में कोरोना उतना नहीं फैल पाया जितना अन्य राज्यों के अंदर फैलता हुआ दिखाई। इसके अलावा भीलवाड़ा मॉडल जो पूरे देश के अंदर सुर्खियां बटोरता दिखाई दिया और अब राजस्थान सिरमौर बना है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा वैक्सीन आम आदमी को लगाई गई है और ये आंकड़ा 25 लाख है। दूसरे पे महाराष्ट्र 23 लाख और तीसरे नंबर पर गुजरात 21 लाख। और अब बात करते हैं रमेश मीणा की दलीलों का मसला आलाकमान तक पहुंच गया है। दरअसल उनकी दलीलों को आलाकमान के स्तर पर उपयुक्त नहीं माना गया, यानी कि सही नहीं माना गया है। आपको बता दें कि स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की पद से हटाने की बात से मामला गर्म हो गया। सदन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री गहलोत ने पूरी जानकारी ली। माना जा रहा है कि उनकी स्पीकर और मुख्य सचेतक दोनों से बातचीत हुई। नेतृत्व ने जातिगत और धार्मिक आधार पर कही हुई बातों को उपयुक्त नहीं माना है, सही नहीं माना। कोरोना के मद्देनजर पूरी सिटिंग व्यवस्था सदन में की गई थी। इस दौरान 30 विधायकों की अलग से बैठने की व्यवस्था की गई थी। कल ही नहीं, इससे पहले भी रमेश मीणा इस बारे में आपत्ति जता चुके हैं। अपनी सिटिंग व्यवस्था को लेकर वो आपत्ति जता चुके हैं। राजनीति में रमेश मीणा को भावुक नेता के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इस बार शायद भावुकता के चक्कर में वो स्पीकर को आहत करते हुए दिखाई दिए और आहत इतना कि स्पीकर सीपी जोशी के पद से हटाने की बात सामने आई और उसके बाद मामला गर्म होता हुआ दिखाई दिया। सदन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री गहलोत ने संज्ञान लिया, पूरी जानकारी जुटाई। इस दौरान माना यह भी जा रहा है कि उनके स्पीकर यानी कि डॉक्टर सीपी जोशी और मुख्य सचेतक यानी कि महेश जोशी दोनों से बातचीत हुई। नेतृत्व ने जातिगत और धार्मिक आधार पर जो बातें रमेश मीणा ने कही उनको उपयुक्त नहीं माना है, सही नहीं माना। वहीं सरकार से सवाल पूछने से बनाई दूरी, सचिन पायलट और विश्वेंद्र सिंह ने कोई सवाल नहीं लगाया। विधानसभा में एक भी प्रश्न नहीं लगाया गया। पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने जरूर मोर्चा संभाला और 80 से ज्यादा प्रश्न दाग रखे हैं रमेश मीणा ने। तीनों ही पूर्व मंत्रियों को बर्खास्त किया गया था। वसुंधरा राजे ने भी कोई प्रश्न नहीं लगाया, कोई सवाल नहीं लगाया। बीजेपी और कांग्रेस के कुछ विधायकों ने भी कोई सवाल नहीं लगाया। बीकानेर की सिद्धि कुमारी ने दूरी बनाकर रखी है, यानी कि उन्होंने भी कोई सवाल नहीं लगाया, लेकिन सबकी नजरें सचिन पायलट और विश्वेंद्र सिंह पर टिकी हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं लगाया। एक भी सवाल दोनों की तरफ से नहीं लगाया गया। हालांकि तीसरे जो मंत्री थे रमेश मीणा, जो गहलोत सरकार में मंत्री थे, उसके बाद जो मानेसर कांड हुआ, मंत्री पद से उनको हटा दिया गया, अब उन्होंने जिम्मेदारी एक तरीके से संभाली और 80 से ज्यादा सवाल रमेश मीणा ने दागे। तीनों ही पूर्व मंत्रियों को बर्खास्त किया गया था। इसके अलावा एक और बड़ा नाम वसुंधरा राजे, उन्होंने भी कोई सवाल सरकार से नहीं पूछा है, कोई सवाल विधानसभा में नहीं लगाया है। बीजेपी और कांग्रेस के कुछ विधायकों में और भी नाम है जिन्होंने सवाल नहीं लगाए। इनमें एक नाम बीकानेर की सिद्धि कुमारी का आता है जिन्होंने सवालों से दूरी बनाकर रखी। वहीं बांसवाड़ा में बीजेपी ने गणेश घोगरा पर कई कड़े प्रहार किए हैं। पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मोर्चा खोला है। पूर्व सांसद
मानशंकर नीनामा ने गणेश खान बता दिया, गणेश घोगरा को गणेश खान बता दिया। कई नेताओं ने धर्म विशेष की राजनीति करने का हवाला दे दिया। घाटोल विधायक हरेंद्र नीनामा बोले, ईसाई समाज को बढ़ावा देना चाहते हैं, घोगरा पर स्वयं भी ईसाई होने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि विधानसभा के अंदर गणेश घोगरा ने खुद को हिंदू मानने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा कि उनकी पूजा पद्धति अलग है, उनका खान पान अलग है, उनका कल्चर अलग है और वो हिंदू धर्म से मेल नहीं खाता और वो हिंदू खुद को नहीं मानते। अब इसके बाद बीजेपी ने मोर्चा संभाला है, पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की और इस दौरान बाकायदा गणेश घोगरा को गणेश खान कहकर संबोधित किया गया। कई नेताओं ने धर्म निरपेक्ष की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा घाटोल के जो विधायक हैं हरेंद्र नीनामा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आदिवासी इलाकों में ईसाई समाज को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और घोगरा पर स्वयं भी ईसाई होने के आरोप लगा दिए गए। एक कहावत आपने सुनी होगी, काटो तो खून नहीं, जब अफसर के काटो तो खून नहीं। विधानसभा में एक मंत्री के चैंबर का यह वाक्य है। वहां पर मास्क लगाए एक अफसर मिलने के लिए आए, इस बीच मंत्री के साथ मौजूद एक सज्जन ने कहा कि आप तो पानी के महकमे के वही अफसर हैं ना जो रिश्वत के मामले में जेल तक जाकर आए थे। ये सुनकर अफसर अवाक रह गया। दरअसल ये अफसर था मुख्य अभियंता आर के मीणा, एसीबी से ट्रैप होकर जेल में रहकर आए थे आर के मीणा, लेकिन इन दिनों जलदाय विभाग में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विधानसभा में भी पिछले दिनों इसकी चर्चा भी हुई थी। आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि दागी अफसर को ही पानी महकमे की कमान दी जा रही है, और ये कौन सी मजबूरी कि जो पहले भ्रष्टाचार के मामले में जेल तक की हवा खा के आ चुका है, उसको आप एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रहे हैं और अब वो पानी के महकमे में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जिनके हम बात करें वो हैं इस वक्त मुख्य अभियंता आर के मीणा, इसी से ट्रैप हुए जेल पहुंचे और अब जलदाय विभाग में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। डिबेट में उतरने से पहले वक्ता प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण देगी कांग्रेस, मानसिक तौर पर करेगी मजबूत। प्रदेश भर से 2 दर्जन मीडिया पैनलिस्ट की सूची तैयार की है कांग्रेस ने, मानसिक तौर पर भी मजबूत किया जाएगा प्रवक्ता और वक्ताओं को। पूरी तैयारी के साथ डिबेट में जाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कांग्रेस के वक्ता और प्रवक्ता किसी भी मुद्दे पर आपस में डिबेट करते हुए नजर आएंगे। दरअसल जिस तरीके से डिबेट की जाती है तो हर एक संस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से पैनलिस्ट को भेजा जाता है, ऐसे में कांग्रेस की पैनलिस्ट या कहें कि कांग्रेस की वक्ता और प्रवक्ता कमजोर ना पड़े, मानसिक तौर पर मजबूत रहे, इसको लेकर अब प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। मीडिया पैनलिस्ट की सूची तैयार की गई है प्रदेश कांग्रेस की तरफ से और मानसिक तौर पर मजबूत किया जाएगा इन प्रवक्ताओं को। पूरी तैयारी के साथ डिबेट में जाने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जब बीजेपी की तरफ से कोई सवाल खड़े हो, एंकर की तरफ से कोई सवाल खड़े हो, तो उनका पुरजोर तरीके से तथ्यों के साथ जवाब दिया जा सके। कांग्रेस के वक्ता प्रवक्ता किसी भी मुद्दे पर आपस में डिबेट भी करेंगे, यानी कि ये डिबेट इंटरनल होंगे ताकि सभी तथ्यों के साथ ये कांग्रेस के वक्ता और प्रवक्ता पैनल का हिस्सा बन सके। और देखिए, अगर आपको बैंक के काम है तो आप उनको जल्द कर लीजिए, हम तो कहेंगे कि कल ही कर लीजिए क्योंकि उसके बाद 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। बैंक से संबंधित कार्य है तो शुक्रवार को ही निपटा लीजिए, शनिवार और रविवार को अवकाश के बाद 2 दिन सार्वजनिक बैंकों में हड़ताल रहने वाली है। 15 और 16 मार्च को सार्वजनिक बैंकों में हड़ताल रहेगी। हड़ताल क्यों रहेगी ये भी हम आपको बता रहे हैं, दरअसल बैंकों के निजीकरण के विरोध में ये हड़ताल रहेगी। केंद्रीय बजट में भी की गई थी 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा, 9 बैंक संगठनों के संयुक्त मंच ने निजीकरण का विरोध किया है और विरोध स्वरूप ही बैंकों को बंद रखा जाएगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का आह्वान किया है। 9 फरवरी को फोरम की हैदराबाद बैठक में हड़ताल का फैसला लिया गया। देश के श्रम संगठन भी सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, यानी कि बैंक का अगर कोई काम है तो कल आप निपटा लीजिए वरना 4 दिन आप बैंक का काम नहीं करा पाए। और अब बात करते हैं आयकर विभाग के, जहां से नोटिस का सैलाब निकलता हुआ नजर आया। अवकाश के बावजूद जारी हो रही करदाताओं को धड़ाधड़ नोटिस,
राज्य में 15,000 से ज्यादा नोटिस जारी होने की सूचना है। 31 मार्च तक जारी रहेगा नोटिस का यह दौर। आयकर कानून की धारा 133(6) में जारी हुए अधिकांश नोटिस। इस नोटिस में करदाता से ही मांगी जा रही विभिन्न जानकारियां, इसके बाद कर वसूली की प्रक्रिया शुरू होगी। आयकर कानून की धारा 148 में जारी होंगे नोटिस। 31 मार्च को समय सीमा समाप्त होने के कारण नोटिसों की रेलम पेल रही। नोटिस को विवाद से विश्वास योजना के लिए भी माना जा रहा प्रिंट। केंद्रीय बजट में पुराने मामले की समय सीमा में बदलाव हुआ है। विभाग 6 साल के स्थान पर 3 साल की ही RTR खंगालेगा। इसी विभाग पर है 1 साथ 4 साल के नोटिस जारी करने का दबाव और समय सीमा निकलने के बाद 3 साल से ज्यादा पुराने ITR को मिलेगी मुक्ति। प्रवर्तन निदेशालय की भीलवाड़ा में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भीलवाड़ा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मामले के अंदर कार्रवाई हुई और इस दौरान 9,97,00,000 की चल अचल संपत्तियों को अटैच किया गया। आपको बता दें कि PMLA कानून में ईडी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। 4 बैंक खातों में जमा 4,39,000 रुपए, 262 अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है। बैंक से ऋण की धोखाधड़ी करने के मामले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान रविंद्र बोरदिया, कीर्ति बोरदिया, देव किशन आचार्य, महावीर चंद पारक, रोशनलाल संचेती और अन्य की संपत्तियां। आरोपियों पर बैंक के साथ 25,10,00,000 की ऋण धोखाधड़ी का भी आरोप। वहीं शराब दुकानों की 5 दिन की ऑनलाइन नीलामी संपन्न हो चुकी है। 7,665 दुकानों में से 6,172 दुकानों के लिए बिडिंग हुई है। 1,493 दुकानों के लिए पहले चरण में बोली नहीं लग सकी। अब 17 और 19 मार्च को इन दुकानों की नीलामी होगी। जयपुर शहर की बात की जाए तो यहां 404 में से 17 दुकानों के लिए बोली नहीं लग सकी। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो यहां 251 में से 26 दुकानों के लिए बोली नहीं लग पाई। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप आवंटन प्रक्रिया का हिस्सा बने, बोली लगाएं, तो अभी भी आपके पास मौका है। 17 और 19 मार्च को इन दुकानों की नीलामी होगी और इनके लिए फिर से बोली लगती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 7,665 दुकानों में से 6,172 दुकानों के लिए ही बिडिंग हुई है। 1,493 दुकानों के लिए अगर बात पूरे प्रदेश की करें तो पहले चरण में बोली नहीं लग पाई। अब 17 और 19 मार्च को इन दुकानों के लिए नीलामी। और सवाल यह है कि आखिर कौन मेहरबान है पानी के बालाजी पर। जयपुर में टैंकर से पानी सप्लाई का एक छत्र राज कई बार गड़बड़ी पकड़ी जा चुकी है। इस फर्म अफसर ऊपर तक लिख चुकी फर्म को दीवार करने का पत्र, लेकिन फिर ना जाने कहां तार जुड़ते हैं बालाजी। अब बगरू में टैंकर से पानी सप्लाई का ठेका दिया गया है। पिछले साल 35% कम रेट यानी कि 39,00,000 में काम हुआ था, लेकिन इस बार 14% ज्यादा रेट यानी कि 2 करोड़ रुपए का ठेका है। बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दिलाने में एक खेल हुआ है। एक्सीएन रविंद्रगढ़ की रिपोर्ट में अनियमितता पाई गई है फर्म की, यानी कि गड़बड़ी पाई गई। एसीए मनीष बेनीवाल लिख चुके हैं मुख्य अभियंता को पत्र और इस फर्म को दीवार करने के लिए पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन मुख्य अभियंता के पास ऊपर से फोन आया और फिर से बालाजी पर मेहरबानी कर दी। प्रदेश में बिजली मीटर का चार्ज बढ़ा 3 गुना तक, और जाहिर है आम आदमी की जेब पर भार पड़ रहा है। मीटर का चार्ज बढ़ाने से बिजली कनेक्शन 20% तक महंगे हो चुके हैं। कमाल की बात यह है कि कटे हुए कनेक्शन को दोबारा करने पर भी मीटर की पूरी कीमत वसूली जाएगी। मीटर बदलते ही वसूला जाएगा पूरा चार्ज। RERC ने फरवरी में विद्युत सप्लाई कोड विनियम 19/2021 जारी किया। इसके बाद तीनों डिस्कॉम ने TCOS 2021 जारी किया और इसमें बढ़ा दिया मीटर का चार्ज, यानी कि अगर आप नया मीटर लगवाते हैं, बिजली कनेक्शन लेते हैं, तो 20% तक महंगा पड़ेगा। कटा हुआ कनेक्शन भी अगर दोबारा लगवाते हैं तो मीटर की पूरी कीमत आपसे वसूली जाए। असंतुष्ट विधायक संतुष्ट नहीं होते।
त्रिवेंद्र रावत को हटाने की बात अब ये चर्चा सामने आ रही है कि उत्तराखंड के करीब डेढ़ दर्जन विधायक रावत से नाराज चल रहे हैं। रावत के खिलाफ कई शिकायतें भी की गई थी असंतुष्ट विधायकों के द्वारा। जनप्रतिनिधियों और जनता के बात सुनने नहीं सुनने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। उनके चेहरे से चुनाव अगर लड़ा गया तो नुकसान का भी अनुमान लगाया गया था। हालांकि इनमें से आधा दर्जन विधायक पाला बदलकर कांग्रेस से बीजेपी के अंदर आए। त्रिपुरा और कर्नाटक में भी पाला बदलकर बीजेपी में आए विधायकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। दूसरी तरफ बंगाल में भी टीएमसी के असंतुष्ट विधायक बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। इसके कारण बंगाल में बीजेपी को अपने नेताओं से भी नाराजगी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जो नेता लंबे वक्त से जमीन पर काम कर रहा था ये सोचकर कि जब चुनाव होंगे तो टिकट मिलेगा, अब टीएमसी छोड़कर जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनको अगर टिकट मिलता है तो जाहिर अपने ही नेताओं की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर।